सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्यमियों के बीच उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रोत्साहन नीतियों को दूर दराज के उद्यमियों के बीच पहुंचाने तथा उन्हें सरकार की नीतियों का लाभ उठाते हुए अपना उद्यम लगाने एवं उसे संचालित करने के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा तैयार किए गए आउटरीच प्रोग्राम के तहत पहला उद्योग संवाद सह जागरूकता कार्यक्रम आज पटना सिटी के अरोड़ा हाउस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पटना सिटी एरिया के उद्यमियों के साथ साथ दूरदराज के बड़ी संख्या में उद्यमीगण के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, बिहार सरकार, एमएसएमई विकास कार्यालय पटना के वरीय पदाधिकारी गण ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल के द्वारा स्वागत संबोधन के साथ हुआ। वहीं कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए एसोसिएशन के महासचिव आशीष रोहतगी ने बिहार जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य जहां देश की आबादी का लगभग 10% जनसंख्या रहती है लेकिन विभिन्न कारणों से राज्य में बेरोजगारी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान राज्य में औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को तीव्र कर किया जा सकता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र में उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार भी प्रयत्नशील है लेकिन सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी बहुत कम लोगों को है जिससे इसका लाभ युवा वर्ग नहीं ले पा रहे हैं। वहीं लोगों को जागरूक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि बिहार विकसित राज्य बन सके। सौर्य भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। यानी कि बीआईए की जो टीम है वह 7 जिलों में जा रही है और 7 जिलों के उद्यमियों के साथ संवाद कर रही है। बड़ों को दिक्कत नहीं होती है छोटों को, क्योंकि जनरल एक क्राइटेरिया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। तो हमारा यह कहना है कि छोटों को भी क्यों दिक्कत, उनको भी सही न्याय मिले, सही लोन मिले, अगर उनके कागज दुरुस्त हो तो, अगर उनमें क्षमता है तो उनको प्रभुत्व देके प्राथमिकता देके लोन देना चाहिए ताकि उद्यम बढ़े, उद्योग बढ़े, बिहार में उद्योग बढ़े। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार भी उद्योग जगत आए, तो आप उद्यमिता को बढ़ाना, अगर उद्यमी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना और नए नए जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचाना प्रोग्राम है। इसमें हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, एसबीआई सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रही है, इंडियन बैंक सपोर्ट कर रही है और सिडबी भी सपोर्ट कर रही है। लोन लेने के लिए हम लोग बैंक को फोर्स तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जरूर से उद्योगपति को या जो उद्योग लगाना चाहता हो उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा हो, क्या स्कीम है, उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।